नमस्कार, हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी आंदोलन शुरू, रेल यातायात बाधित। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को देशव्यापी रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किसान मोर्चा से जुड़े लोग रेल ट्रैक पर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे रेल यातायात बाधित रहा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, जबकि लखनऊ में किसान नेताओं को नजरबंद कर लिया गया है। रेल रोको अभियान के तहत सुरक्षा की दृष्टि से गौड़ा जिले के मोतीगंज थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक राकेश पाल की मौजूदगी में स्टेशन पर फोर्स तैनात है, जबकि बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पर किसान आंदोलन की सूचना पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह आंदोलन सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगा। दूसरी ओर मैनपुरी में रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। बारालाचा पास पर 1 फुट हिमपात, रोहतांग दर्रा भी चांदी से नहाया, मनाली ले मार्ग बंद। रोहतांग सहित मनाली ले मार्ग के कई दर्रों में ताजा हिमपात होने से यातायात बंद हो गया है। मनाली ले मार्ग पर बारालाचा दर्रा पर 1 फुट तक बर्फ गिरने की सूचना है। वहीं रोहतांग में 5 इंच तक बर्फ गिरी। हिमपात के बाद लाहौल की ऊंची चोटियों और स्पीति घाटी के श्वेत चादर ओढ़ ली है। लाहौल प्रशासन ने मनाली ले और मनाली काजा मार्ग पर यातायात बंद कर दिया है। उधर मनाली की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में बारिश होने से पूरी घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है। स्पीति घाटी में बर्फबारी की वजह से पर्यटकों का एक वाहन फंस गया था। लोसर गांव के युवाओं ने रविवार रात को तकचा के पास बर्फबारी के बीच टेम्पो ट्रैवल और अन्य गाड़ियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित लोसर पहुंचाया। इसके बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।